Taliyo ki goonj. Come on, ladies and gentlemen. Welcome to the Sangeet. Vivan, mere mitragan ko yahan dekho, bhai. Wow. Yeh hamari Sangeet hai. Of Lalu ki shadi ve laddu diwana. Hoi. Hoi. Vivan, inko halo to bolo, mere dost. सबका स्वागत किया जाता है हमारी शादी के लिए बाली की भाई यहाँ पर भी कमाल भैया फ्लाइंग किसी तो दो फ्लाइंग किसी पप्पिया उस साइड भी खूबसूरत लड़कियां हैं एक बार वन व्हील पे वन व्हील लेडीज एंड जेंटलमैन संगीत में आपका स्वागत है मेरे येलो शर्ट वाले दोस्त यू आर ड्रेस्ड अप सो वेल वाह विवान शाह वेलकम अरे वाह क्या एनर्जी है भाई अरे पापा इसको कहते हैं गुरमीत चौधरी के साथ रहकर मसल्स डेवलप करना आइए आइए लेडीज एंड जेंटलमैन मेरे मीडिया के सदस्यों गुड इवनिंग वेलकम तालिया वो व्हाट्स अप राहुल द प्रोड्यूसर माय ब्रदर क्या बात है राहुल यू आर द चांद ऑफ दिस फिल्म आइए हेलो जी और रवि दादा कैसे हो बड़े हैंडसम लग रहे हो यार मूछे हो तो आपकी तरह सर बोरोड जैकेट है सर लौटाना है सर बेटा डीजे म्यूजिक बजाओगे ना तो दुगोल गप्पे मेरे साइड एक्स्ट्रा वाह विवान जस्ट बी डेलिकेट विद दैट साइकिल टूटेगा तो खर्चा तेरे पर थैंक यू टू आवर फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया गिव इट अप लेडीज एंड जेंटलमैन और इस साइकिल के लिए भी ये भी एक साइकिल है व्हिच इज गोना सिंबलाइज द राइट टू सक्सेस
of Lali ki shaadi mein laddu deewana. Give it up for Mr. T.P. Agarwal as well. Wow! Yaar, ye le mere mic, mere dost. Good evening, namaskar, pranam. हमारे इस संगीत में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया जाता है. वाह, मतलब ये शुद्ध हिंदी में इंट्रोडक्शन है ना ब्रदर. मैं बल्कि सिर्फ यहाँ का दूल्हा नहीं हूँ बल्कि पंडित जी भी हूँ. क्या बात है दोस्त, बुरे कर्म करते हो पंडित जी हो बड़ी नहीं बेस. मैं एक शेर अर्ज करता हूँ, इधर आइए थोड़े साइड में. अक्षय करे हर लाइन के बाद वाह वाह बोलिए. क्या बोलेंगे? अरे बच्चे पंच लाइन बोल रहा हूँ यार. क्या बोलेंगे? डाली ने डाली पर नजर डाली, किसी ने इस पर डाली, किसी ने उस पर डाली, हमने जिस पर नजर डाली उसके बाप ने उसकी शादी कहीं और कर डाली. थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम. पर उससे पहले मैं एक कहना चाहता हूं, ये जो महिला है, ये आपकी हीरोइन है, वो हमारे साथ नहीं है, उसका भी खुलासा होगा न्यूज टेलीविजन स्टाइल में अब बाद में. पर मैं चाहता हूं कि तुम इसे अक्षरा समझो. क्या समझोगे? अक्षरा. ओके, एंड यू हैव टू गेट डाउन ऑन योर नीज एंड प्रपोज टू हर. बेटा इधर आ जा बच्चे, यूर ओके, मुंह पोछ ले. अरे उस साइड चले जा बेटा, इस साइड आ जा बेटा, इसका शक्ल तो दिखा दे. हेलो बोलो बेटा, हेलो हेलो, लव यू ब्रदर, अच्छा रोल है बेटा, आ जा. अब घुटने में जाओ मेरे लाल, ठीक है. अक्षरा को प्रपोजल, लाइट्स कैमरा एक्शन. ऐसे प्रपोज करने का सबसे अच्छा चीज, अच्छी चीज क्या है आपको पता है? कि लड़की मना भी नहीं कर सकती है क्योंकि है भी नहीं यहां पे, और बोल भी तो नहीं सकती. प्रपोजल तो सफल ही हो सकता होगा, तो फिर कैसे करूं प्रपोजल? सर कर दे, ये रिप्लाई करेगा बेटा. अच्छा लगा तो बोल देना लड़की की आवाज में. हाँ, क्या बोलोगे? हाँ. लड़की की आवाज में बे. हाँ. हाँ. बैंकॉक वाली लड़की नहीं, इंडिया वाली लड़की ये जवाब देगा. आजा, इमेजिन मैं आवाज दे दूंगा बेटा. आजा पीछे आजा, बोल बोल. डियर लाली, विल यू टेक मी एज योर लॉफुली वेडेड हस्बैंड? Very boring proposal. I want more excitement, baby. अच्छा sorry, ये Christian वाली शादी थी. तो क्या ये निगाह कबूल है? You can do better, baby. ये भी बहुत मुश्किल हो गई. अभी समझ में नहीं आ रहा है कैसे प्रपोज किया जाए. एक डांस स्टेप कर दे इसके आजू बाजू, डांस करते हुए चले. लेकिन मुझसे लंबी है ये. अच्छा एक उनके हाथों में किसी दे दो बस बेटा, ऐसे. I love you, baby. Give it up for the man. बहुत सीधा है, बहुत अच्छा है. तालियां के लिए प्लीज. और बेटा इसको भी एक पप्पी दे दो चीक पर. आ जाओ बेटा. I love you, darling. Behind the scene में ये चीजें होती रहती है फिल्मों में भी. Alright, ladies and gentlemen. You know, मुझे पता चला है यार, ये स्कूटर जो था फिल्म में, इसे तुमको बहुत परेशान किया है. मिस्टर टीपी अग्रवाल बैठे हैं, डायरेक्टर साहब बैठे हैं, को एक्टर्स एक दूसरे को परेशान करते हैं, पर मैंने सुना कि ये स्कूटर ने तुमको बहुत परेशान किया भाई, उसके बारे में बता दे. बहुत बहुत परेशान किया, बेहद. इतना परेशान क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कि स्कूटर को कैसे चलाते हैं. मुझे सिर्फ मोटरसाइकिल पता थी और काइनेटिक पता था. तो फिर स्कूटर मैंने सेट पे ही सीखा, सीन के दौरान. सीन के मतलब लिटरली दो मिनट पहले. तो ऐसा हुआ कि मुझसे ठीक से हुआ नहीं जा रहा था, तो इतने टेक लगते गए कि रात का समय हो गया था, तो घर जाने का वक्त भी हुआ था. तो जितने भी सारे क्रू वाले सब आके मेरे को सिखा रहे थे कि स्कूटर को कैसे किक स्टार्ट करना था, क्योंकि सबको घर जाना था. अच्छा, तो बोल रहे जब तक ये स्कूटर नहीं करना है, जब तक ये स्कूटर शुरू नहीं होगा तब तो पैकअप नहीं होगा. तो मैं किए जा रहा था लेकिन हो रहा नहीं था मुझे. तो ये मुझे बताओ, बरोड़ा ड्राई स्टेट, हाउ डिड यू गाइस मैनेज? यार बड़े मुश्किलें सही है हमने फिल्म बनाते हुए. बहुत बहुत मुश्किलें. बहुत ड्राई फील कर रहे थे? बहुत ड्राई. अच्छा, तो ये नहीं हुआ? लेकिन नहीं, क्योंकि आई थिंक हम सब मेथड एक्टर्स हैं, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत शराब तो पीनी पड़ी. हाँ, तो ड्रंक सीन्स के लिए. हाँ, तो उसकी वजह से मतलब हमने थोड़ी सी स्मगल इन कर ली अंदर से. अच्छा, और बिल फाड़ा मिस्टर टीपी अग्रवाल जी ने. थैंक यू सो मच ब्रदर. अब मैं एक और दिग्गज को बुलाऊंगा. अग्रवाल जी, वी लव यू यार, आप हर चीज फंड करते रहते हो यार. लेडीज एंड जेंटलमैन, अलोंग विद विवान इज द अदर स्टार ऑफ दिस फिल्म. गुड लुकिंग, डैशिंग, मस्कुलर. Ladies and gentlemen, give it up for Gurmeet Chaudhary! Pump up the music, DJ!
मोहब्बत हो तो ऐसा अक्षरा सॉरी यू कांट डू एनीथिंग राइट नाउ. मौके का फायदा उठा रहे. हाय रब्बा तू भी इससे चले, तू कम कम मत रहे, तू भी जा, कम ऑन बॉस प्लीज. नहीं नहीं नहीं, मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी करो. नहीं नहीं नहीं, मुझसे प्लीज प्लीज प्लीज, मुझसे 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 मुझसे. नहीं 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 नहीं, अक्षरा है ये, अक्षरा है ये, अक्षरा है, मुझसे शादी कर लो, तुम मुझसे शादी कर लो प्लीज. हाय रब्बा, मोहब्बत के लिए आदमी क्या क्या करता है. गुड मी शॉल गिव इट अप फॉर हिम लेडीज एंड जेंटलमैन, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर बोथ माय ब्रदर्स. अच्छा सुनना, ये सब छोड़ विवान, मैं पढ़ लेता हूं बेटा मेरा. मैं वैसे ही साइड किक हूं, मैं वैसे ही स्पॉट बॉय समानी हूं. आइए, थैंक यू. अच्छा विवान, ये सब छोड़ यार, गुरमीत से साथ रहकर बॉडी वॉडी बनाई कि नहीं गया? कोशिश तो की हाँ, लेकिन अगर करता तो पिक्चर का नाम लाली की शादी में लड्डू दीवाना नहीं हो पाता. अच्छा लड्डू के चक्कर में तुमने फिजिक नहीं बनाई? नहीं, तभी तो नहीं. एक चैलेंज मैं फेंकता हूँ, लव यू बेबी. गुरमीत हाथ ऊपर कर ऐसे बेटा, ऐसे ऊपर ऊपर, दोनों हाथ, एक हाथ, दोनों हाथ, कम ऑन, या एक बार बोलो या. हाँ, उसके बाद ऑलराइट. अभी तू, तेरे पास मसल्स नहीं है बाबा, तेरे पास क्यूट फेस है. अभी क्या करो, यू हैव अ वेरी क्यूट फेस. आई वॉन्ट यू टू लिफ्ट अप हिज आर्म, ओके? हाँ, इफ यू लिफ्ट इट अप, आई प्रॉमिस यू मिस्टर टीपी अग्रवाल, अपनी गाड़ी आपको दे देंगे एज अ गिफ्ट. इस 2.5 किलो के हाथ को हाँ, बहुत मुश्किल होगा, मैं कोशिश करता हूँ. कोशिश कर बेटा, तुम्हारी जवानी की कसम बेटा. कम ऑन, यू कैन डू दिस बेटर, हार्डर बेटा. आई लव, अरे बाबा, मोहब्बत हो तो ऐसा अक्षरा के जगह में विवाह. थैंक यू सो मच ब्रदर. अच्छा ऐसे क्या लेडीज, कितने फोटो अपॉर्चुनिटीज आपको दे रहे हैं, हर लाइन बोल रहे हैं आपको फोटो अपॉर्चुनिटीज के चक्कर में बेटा. ओल मेरे गुलियो, लेडीज एंड जर्मन, गुरमीत चौधरी एंड विवान, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स. संजय मिश्रा जी, कैसे हैं आप? आई लव यू सर. दोस्तों अब एक और महिला है, क्योंकि अक्षरा हमारे साथ नहीं है, वो खुलासा बाद में होगा. Presenting the other heroine of the film, जिनका नाम है कविता. भाई पावर के साथ यार. कविता, इतना पावरफुल इंट्रोडक्शन के बाद कविता जी के लिए तालियां प्लीज. लवली ड्रेस, इनफैक्ट इतना अच्छा लगा ये ड्रेस कि रवि किशन भी ये पहनना चाहते हैं, बट रवि सॉरी इनका ड्रेस है. कविता जी गुड इवनिंग, लव यू. हाथ पकड़ के बात करते हैं तो बताइए कविता, दो लाइन मेरे दोनों प्यारे भाइयों के लिए गा दो प्लीज. वो कहते हैं कि आप इन दोनों को कभी अटेंशन नहीं देती हैं, आप इनको इतना निग्लेक्ट करती हैं, इनको ऐसा लगता है कि ये कुछ नहीं है. दो लाइन गा दो मेरे प्यारे. इनको देखो रो रहा है ये, देखो ये रो रहा है ये भी, देखो दोनों रो रहे हैं. अच्छा ओवर एक्टिंग अच्छी लगती है मुझे. यू पिकअप द माइक. अरे मैं हूं ना उठाने के लिए सब. All right, thank you, ma'am. All right, ladies and gentlemen, Kavita to Gurmeet and Vivan. So, Gurmeet, क्या चाहते हो? इन्होंने ये बोला गाना सुनना है, तो बताओ क्या सुनना चाहते हो? आज आपका गाना रिलीज हुआ है. जी जी. तो बस उसी की दो लाइन हो जाए. आप दोनों के लिए, Vivan for you, dedicated to you, and Gurmeet, both of them, because both of them are in the song and they look dashing. And I think Vivan से ज़्यादा innocent चेहरा मुझे नहीं लगता industry में अभी है. नहीं मैं flying kiss दूँगी. Okay, so मैं धुन सुनाती हूँ आपको. Na 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 मैम, शी इज क्लासिकली ट्रेन्ड, जैसे आपको मालूम है 5-6 घंटा ऐसी ट्रेनिंग करके गाती है. तालियां इन क्लासिकल ट्रेनर के लिए प्लीज. इनका एक क्लासिकल एल्बम भी आ रहा है बहुत जल्द, बट वेरी वेल डन कविता, थैंक यू सो मच. नाउ लेडीज, भाई आप जा सकते हो उसको लेकर, डोंट वरी. थैंक यू इसके लिए भी यार, मेरा बहुत प्यारा दोस्त है यार, ब्रदर आई लव यू यार. लड़की के आवाज बोलो आई लव यू तो बोलो. नहीं बोल सकते. अरे लव यू यार ब्रदर, थैंक यू सो मच. लेडीज एंड जेंटलमैन, भाई हम लोग और मैडम हम लोग नीचे चलते हैं, बिकॉज टुनाइट वी आर गोना अनवेल द ऑफिशियल ट्रेलर ऑफ लाली की शादी में लड्डू दीवाना. ताली बजा दो भाइयों. टीपी अग्रवाल जी 4 बोतल और आपको भिजवा देंगे घर. विवेन गुरबी थोड़ा लेफ्ट में हो जाओ भाइयों, बाद में गॉसिप कर लेना. मैं आ जाओ भैया, आ जाओ दोनों आ जाओ. एंड नाउ मैं बुलाना चाहूंगा
Mr. T.P. Agarwal, the producer of the film. Sir, aye, T.P. ji, I love you so much. I've known him since I was like this. I love you, uncle. God bless you. Give it up for Mr. T.P. Agarwal. Big heart. और सारे खर्चे यही उठाते हैं. और उनके साथ है उनके co-producer, जिसे मैं बहुत जलता हूं और मैं बताऊंगा बाद में आपको क्यों. Co-producer Rahul Agarwal as well on stage, please. The future and present of entertainment. भैया पीछे बैठे हो, ताली बजा दो भाई. आज डिनर विनर सब खर्चा यही उठा रहे हैं भाइयों. एंड ऑफ कोर्स मिस्टर अग्रवाल, बहुत सारे दोस्त हैं आपके, उनको आपको हाय हेलो करना है. द माइक इज योर सर. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स. आई वेलकम एवरीबॉडी हियर, स्पेशली माय ऑल द प्रोड्यूसर्स एंड कंप्लीट मीडिया एंड माय फ्रेंड फ्रॉम फियाफ, माय जनरल सेक्रेटरी मिस्टर बिनॉय इज देयर एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट ही हैज कम. दैट फियाफ इज द international body of the film producers. He is the general secretary of that, he is the owner of that, and I happen to be the first vice president of the world body there. Thank you very much for selecting that, and I have been there for the last 6 years now. Yeah, and my all the friends from IMPA, they are here. I can't take so many names, they are there, and I really wish to have their blessings for this picture, and complete media also happen to have your blessings, because I think after a long, long time, I have made such a film which you like to enjoy with the families. It is full of emotions, father and son emotion, father and daughter emotions, and a completely youth-oriented movie. I can't say more than that. And I really wish that you people should watch this movie. Thank you very much. Thank you, Mr. Agarwal. You're also a rang-biranga kism ka insaan also. Really, Rahul, idhar aaiye. Rahul ke liye taali bajaiye, please. He's also a man जिसने बहुत फिल्में की हैं, एजुकेशन सेक्टर में बहुत बड़े हैं, मेरे बहुत ही बचपन के दोस्त हैं. मैं हमेशा जलता हूँ यार, तो जब भी एंट्री मारता है खूबसूरत लड़कियों के साथ मारता है यार. ये बताओ, तुम्हारी शादी के कुछ लक्षण है कि नहीं कि सिर्फ खूबसूरत लड़कियों के साथ डिनर, कॉफ़ी, मोहब्बत करते रहोगे? देखो, शादी तो तुमने कर ली. हाँ, तो इट्स डन, बस बात खत्म है ना दोनों में से एक. अबे शादी इज डन मीन भाई, मेरी बीवी तो तेरे से मिली भी नहीं है भाई. डू नॉट टेक एनीथिंग इन दैट वे, समझे? ये बोल रहा है बेसिकली इज हैप्पी फॉर माय मैरिज. रामा कृष्णा गोविंदा कापाल तडा. भाई इधर बताइए, ये जो खूबसूरत लड़की आई हैं, इनके बारे में दो लाइन बोल दीजिए ना. है ना, क्या बोलूं, क्या बोलूं, आप बताइए. आप गिव इट अप फॉर दिस लवली लेडी, वेरी नाइस मैम, ही इज अ ग्रेट गाय, अच्छा इंसान है. और क्या बोला था बोलने के लिए? एंड डायनामिक गाय यार. थैंक्स राहुल, आई रियली लव द ट्रेलर, आई रियली लव द ट्रेलर. ऑनेस्टली नॉट बिकॉज आई एम होस्टिंग दिस, इतनी ताकत रखता हूँ कि मुंह पे बोलूं चीजें. आई रियली रियली genuinely love the trailer. Innocence hai, visually great, great songs, great punchlines, and stalwarts like Sanjay Mishra ji, Kishori ma'am, and everyone here, Ravi bhai, everybody, please give it up for all of them, the stalwarts of the business as well. Ab hum log kya karne wale, ek performance hone wala hai, right? Aur Rahul, ye tum introduce karna bhai. Ye jo aane wale hain abhi is the music composer of Bezuban. इनका नाम है विपिन पाटवा. वेलकम वेलकम विपिन पाटवा. कहाँ है, किधर? वेलकम गाइस, लेडीज एंड जेंटलमैन, यंग डायनामिक म्यूजिक कंपोजर विपिन पाटवा. गिव इट अप फॉर हिम लेडीज एंड जेंटलमैन. तुम फिल्में प्रोड्यूस करना, पर कभी एंकरिंग मत करना तुम, ठीक है? I'm leaving the day job to you. You know, अगर मैं करने लग जाऊंगा तो तुम्हारी रोजी रोटी पे ना प्रॉब्लम. तेरे नाइट जॉब पे मुझे बड़ा डाउट है वैसे भी. प्लीज सिट डाउन. थैंक यू मिस्टर अग्रवाल, थैंक यू. और मेरे दोस्तों, तुम लोग भी बैठ जाओ, आसन ग्रहण करो. हाँ, हियर यू गो, ये लीजिए, ले लूं मैं माइक. लेडीज एंड जेंटलमैन, तालियां प्लीज. दीज गाइज वर्क सो हार्ड, दीज म्यूजिक कंपोजर. इसको कहते हैं आराम से बैठ के सोना ड्यूरिंग द इवेंट, बट आई स्टिल लव यू, गॉड ब्लेस यू. ऑलराइट, वी डिडंट मीट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, बट लॉन्ग टाइम बैक मी एंड विवान वर डूइंग वन फिल्म टुगेदर. And we recorded songs and we spent a lot of time and we had a great time. Which I say, you guys know, kabhi kabhi nahi hota hai till the end. We hung out a lot and we used to listen to Arco jamming and it was so much fun, you know, just to watch Arco jamming. It was really, I mean, it was just, I miss that man. Tell me next time your jam sessions are happening, I want to come for them. Beta, so next time jaye bhaad mein. Next time jaye? Jaye? Bhaad mein. ये तू ही, वाह क्या इफेक्ट डाल दिया. आजा बेटा इधर आओ, इतना लंबा आदमी बेटा बोलते थे, इधर आओ. और विवान तुम आगे आओ, आगे काम पड़ेगा. तो आर को
दो लाइन आप गाओगे और विवान रिपीट करेगा. ऑलराइट, उसके बाद अंकित एंड गुरमीत. ऑलराइट, जैम सेशन नाउ. एक दूसरे का हाथ पकड़ के करो, सो दैट पैशन इज देयर. आई थिंक नाना नाना ही करना जी. लेडीज शुड गिव इट अप फॉर विवान एंड आर्को. ताली नहीं बजी सिद्धार्थ, एक बार फिर से कमा, ताली बजा दो भाई. दूरिया ए ए दूरिया मिटा हम दम मजबूरिया मजबूरिया मिटा हम दम नॉट बैड, दैट्स वेरी गुड. एक चीज है, यू आर वेरी गुड फॉर द सोसाइटी. यू नो व्हाई? तुम्हारा गाना सुनने के बाद सबको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है. थैंक यू फॉर बीइंग अ लेजेंडरी सिंगर. भाई थोड़ा सुर के साथ, फीलिंग के साथ, फीलिंग के साथ. ओके, सीरियस होके, ओके, फीलिंग. ओके, नाउ वन सेक, होल्ड दिस गिफ्ट. गुरमीत आजा भाई, अभी तुझे भी करना पड़ेगा. बीच में आ जा इधर. अंकित भाई, चलो चलो. नाउ गुरमीत दिखा दो कि यू आर अ बेटर सिंगर देन विवान. दिखा दो. ऑल राइट गुरमीत, रेडी? नो नो नो, बेटर बेटर भाई, सेम लाइन. ओके, ये दूरिया बस भाई, नहीं हो गया. नहीं 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 भाई, कोशिश करो. अच्छा, ये आठवें ट्राई में ही बिकम्स ग्रेट. सात ट्राइज के बाद आठवें में ही बिकम्स अ डूड. कोशिश करो भाई. भाई तुम जानो के टफ गाना दे रहे हो उसको. मिटा हमदम, ठीक है? मिटा हमदम नहीं, गाना है. अच्छा गाना है. हाँ ओके, मिटा हमदम. तुम्हें कोशिश कर, तू कर सकता है. कोशिश करो, कोशिश. I have seen you in the bathroom, you sing so well. I mean, I've heard you in the bathroom. I've heard you in the bathroom, you sing very well. Yes, yes, yes. Come okay. on, come on, ये अच्छा था. मिटा हम दम, क्या था? मिटा हम दम. Yes, very good. तालियां प्लीज. आगे की लाइन आप नहीं बोलेंगे, मैं गवा रहा हूँ. एकदम एकदम. अरे परफेक्ट है, परफेक्ट है. ये दूरिया मिटा हम दम, ये दूरिया मिटा हम दम, मजबूरिया मिटा हम दम, तेरी आहों में पनाहों में मुझे रहना सदा. ये दूरिया मिटा हम दम, मजबूरिया मिटा हम दम, तेरी आहों में पनाहों में मुझे रहना सदा. ला 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 ओ ना 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 ना. एक काम करेंगे अभी, आप लोगों को याद हुआ कुछ भी? याद हुआ? अभी अभी रिलीज हुआ है ना, आप लोगों को हुक लाइन याद हुई? ये दूरियां मिटा हम दम, मजबूरियां मिटा हम दम. मैं चाहता हूँ आप लोग गाओ मेरे साथ, ठीक है? अभी के अभी. नहीं नहीं देख, अरे माइक की जरूरत नहीं है, देखिएगा. वन टू थ्री रिपीट. ये दूरियां मजबूरियां. राइट, स्टॉप. Really? मिटा हम दम गाना है बस. इस बार प्लीज यार, आप सब लोग हाँ प्लीज, ये कैमरे जितने यार, आप लोग भी गा लो यार, आवाज आ जाएगी आपको. वन टू स्केल प्लीज. वन टू थ्री फोर. ये दूरियां मिटा हम दम, मजबूरियां तेरी राहों में पनाहों में मुझे रहना सदा. ये दूरिया मिटा हम दम, मजबूरिया मिटा हम दम, तेरी राहों में पनाहों में मुझे रहना सदा. थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, the present and future of Indian music, Arko and Ankit Tiwari. Thank you so much. But ab कुछ और लोग हैं, दिग्गज हैं, जो आएंगे. मेरे भाई, ओ मेरे भाई, बुला लो, किसको बुलाना है? मनीष जी, द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म. मनीष जी आइए, आइए मनीष जी. भैया डीजे थोड़ा म्यूजिक इंक्ली में बजा दो यार, इज अ वेरी हसमुख किस्म का आदमी यार. ब्रदर, सो गुड टू सी यू भाई. हमारी जो लाली है, जी हाँ जी हाँ जी सर, वो कहाँ है सर? सर सुबह से ढूंढ रहा हूं मैं. प्रॉब्लम एक ही नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जो लाली है उसके पेट में एक बच्चा भी है. लाली के पेट में बच्चा है? और किसका कारनामा है सर? ये तो आपको फिल्म देख के ही पता लगेगा. लेकिन मेरे को वो बच्चा चाहिए और मैं लाली को ढूंढ रहा हूँ.
सर आपको बच्चा चाहिए, आप लाली को ढूंढ रहे हैं. वैसे इनके अभी कुछ दिन पहले बच्चा भी हुआ है. रियली ऑनेस्ट गॉड ट्विंस. तालियां इनके लिए. सर आई थिंक दिस अ ग्रेट गिफ्ट दैट योर किड्स हैव गिवन यू सर इंस्टेड ऑफ दिस बीइंग अ गिफ्ट फ्रॉम यू टू देयर साइड. बस बस तीसरे बच्चे का 7 अप्रैल थर्ड चाइल्ड. सर ये बच्चा बच्चा तो बहुत अंकित बहुत जानता है इसके बारे में. हाँ 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 अंकित बहुत सी महिलाएं मुझे बोलती हैं. अच्छा जी क्या बोलती क्या बेस आवाज में. हाँ आएगा क्यों नहीं आएगा. बोलती बोलती हैं क्या बोलती हैं कि आई लव अंकित तिवारी. ऑफ कोर्स एब्सोल्युटली. तो बताओ तुम ये जो तुम्हारा रोमांटिक साइड जो आता है बाकी तुम लाइफ में इतने रोमांटिक हो गया. ऑफ कोर्स हूं. वंडरफुल ब्रदर. यस एंड हैव यू रोमांस आर्को आल्सो. थैंक यू ब्रदर. अपनी दिल की फीलिंग्स मुझसे क्यों बोलते हो. मैंने एक इंटरव्यू किया इनके साथ ठीक है तो कुछ ऐसी बातें थी जो इंटरव्यू में निकल गई. अभी तक रिलीज नहीं किया इसने. अभी तक रिलीज नहीं किया और अभी आके उसने मुझसे बोला आज अंकित हो जाए. तो चलो अब कैमरे इतने सारे लगे हैं ना. बताओ कब रिलीज हो रहा है. ऑफिशियली अनाउंस करो. चलो अरे बताओ करो करो. अरे करो सर. ताली बजाओ. तालियां तालियां कम ऑन. अभी बोलेंगे इंटरव्यू कब रिलीज हो रहा है. चलो ये इंटरव्यू 2 हफ्ते बाद शनिवार सुबह 7 से 11 रविवार शाम को 5 से 9 इश्क 104.8 पर जब अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं हम दोनों के बीच में. बोलो विदाउट एडिट. विदाउट एडिट. जहां पे इन्होंने मेरे वस्त्र हटा दिए बट नेवरदेलेस सर जी ऑनेस्टली आर्को प्लीज कम इन फ्रंट. यू नो इन्होंने मुझसे बोला आपसे पूछने के लिए. हैव यू एवर बीन इन अ सिचुएशन वेयर द थीम ऑफ द फिल्म इज द गर्ल गेट्स प्रेग्नेंट बिफोर मैरिज. So what situation? Sir, समझा दीजिए सर. Whose situation are you asking if I've been? तुम ऐसे लॉट ऑफ सिचुएशन में क्योंकि इस फिल्म में होता है कि अक्षरा लाली gets pregnant before marriage. No, my daughter has not done any such thing so far. तो all clean. I'm joking man, but yeah, ऐसा कभी नहीं हुआ है and I found it very interesting because कोई भी फिल्म में मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा and I was thinking कि अगर ये हो like you fall in love with someone and she is actually pregnant. I mean, that would be a tricky situation. So, or kabhi kisi Hindi film mein maine aaj tak nahi dekha. I don't know if there is. Maine real life mein dekha ek Siddharth bhag raha tha. To maine ladke se pucha problem kya hai? Tab usne bataya. Siddharth bhag raha tha wahan pe. See, I've got a weapon against you. Ladies and gentlemen, give it up for this. There's a deep underlying message in this film as well, which we will relieve in the film as well. But now, main chahunga aap log sab baith jaye because. Ek minute. Abhi aapko pata chala Lali kahan hai? Ye bataiye zara. अब असल रीजन ये है अक्षर रियली वांटेड टू बी हर बट हर अंकल एक्सपायर्ड या तो शी इज गॉन फॉर द लास्ट राइट्स. सो मे हिज सोल रेस्ट इन पीस एज वेल. एंड अक्षरा वी आर ऑल देयर फॉर यू या. ठीक है. थैंक यू. प्लीज टेक योर सीट्स एवरीबॉडी. थैंक यू आर्को. पर्दे पे तो तुमने देखा नहीं पर रियल लाइफ में जरूर देखा है तुमने सब. लेडीज एंड जेंटलमैन गिव इट अप फॉर ऑल द म्यूजिक कंपोजर्स प्लीज. एंड राइट नाउ I want you to watch the official video of Rishta. Thank you. Aha! Thank you. Kavita ji, मैंने सुना है कि विवान हो गुरमीत हो जितने भी एक्टर्स थे वो एक दूसरे को डराते थे भूत बनकर. इसमें कितनी सच्चाई है. My God, इतना high voltage question. I think विवान जो है वो बहुत ही खुशमिजाज इंसान है और अक्षरा इज अ प्रैंकस्टर और सब लोगों ने जो है एक दूसरे का बहुत यू नो दे हैव ट्राइड टू मेक फन ऑफ द सिचुएशंस एंड मेक द होल एटमॉस्फेयर वेरी लाइवली. कौन किसको सबसे ज्यादा डराता था. आई थिंक अक्षरा बहुत लाइवली है और बहुत ही शी इज अ प्रैंकस्टर और वो सबको एक रात कंबल लेकर के और गुरमीत इन लोगों ने दरवाजा खटखटाया और मैं तब सो रही थी और यू नो आई वाज लाइक आई वाज अबाउट टू फेंट एंड आई थिंक ये लोग दे आर मैड क्रेजी. बोलो जल्दी से बोलो. दे आर मैड. दे आर क्रेजी रादर. थैंक यू बाबा. ताली बजाइए इस आदमी के लिए. 5 सीन्स हो जाते फिर माइक लेके आते. लव यू ब्रदर. तालियां इसके लिए बाबा. आलसी रहो तो इसकी तरह. थैंक यू मैम. कविता बैठ जाइए प्लीज. और नाउ एक कॉन्टेस्ट होने वाला है. आ जाओ. सुहासिनी जी कैसी हैं आप. सुहासिनी जी सरिया सुन लमा काड़े ले है. ओके अब मुझे चाहिए 3 हमारे मित्र फ्रॉम द मीडिया जो स्टेज पर आए. कौन है वो 3.
आई वॉन्ट तीन शेर. अरुण कौन है भाई? अरुण बाबा भैया शर्माइए मत. अरुण आ जाओ अरुण आओ मेरे भाई, मेरे छोटे भाई आ जाओ स्टेज पे. आ जाओ बाबा शर्माओ भाई एक आ जाओ. एक और जो मेरे मीडिया के भाई कौन है अजिंक्य कौन है? आ जाओ जाओ मेरे दोस्त आ जाओ भाई शर्मा. अरे स्टेज पे चलो भाई स्टेज पे. अरे मैं चलूंगा तुम्हारे साथ भाई, तुम मेरे छोटे भाई हो. चलो 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 अजिंक्य आइए. अरे भैया अरे भाई मैं दिखता हूं बुरा, मैं इतना बुरा नहीं हूं. अच्छा रुक जाओ. और कौन? रवि जी रुकिए, आपको स्टेज पे बुलाना है मुझे. अच्छा फोटो. अच्छा टॉयलेट जाके आ रहे हैं क्या? अच्छा भैया टॉयलेट जाके आ रहे हैं, वहां फोटो मत खींचो इनका. ओके नाउ ब्रदर कबीर आजा. ब्रदर आजा आप आ जाओ आ जाओ. अच्छा आ जाओ. कौन आप? अच्छा यू बोथ कैन कम यहां, डजंट मैटर. कम आइए. एंड मैम आर यू श्योर यू वांट टू कम? आइए कम ऑन स्टेज. आइए. ऑल राइट कैन आई रिक्वेस्ट द स्ट्रेज टू कम प्लीज. आइए सर आइए. आ जाइए भाई. मैम इस साइड आप आइए भाई. हेलो हाय भाइयों ये लीजिए आप. नहीं ये लीजिए आप. आइए आगे सामने आइए. आइए आप आइए आगे. आप आइए और आप. ओके ठीक है आप थोड़े साइड में आ जाओ मेरे लाल. आ जाओ भाई आ जाओ. डायबिटिक राइट? नहीं भाई. अच्छा रुक जाओ मैं काउंट डाउन. ये दोस्तों दिस इज अ लड्डू ईटिंग कॉन्टेस्ट बिटवीन आवर फ्रेंड्स इन द ऑडियंस एंड ऑल थ्री ऑफ यू. 1 मिनट में आपको खत्म करना है. नो चीटिंग. आर यू रेडी? सिक्स पैक के बाद ये सब. डीजे लाइट्स कैमरा. प्रोटीन बार निकाल रहा है यार ये तो. आई कांट बिलीव दिस यू आर गेटिंग अ प्रोटीन बार. मतलब बंदा 8 packs के लिए प्रोटीन बार तक कैरी करता है. जैसे तूने बोला कि लड्डू तो मैंने बोला प्रोटीन दे दे. तो आप चाहते हो कि मैं लड्डू खाऊं मेरे 8 packs अभी निकल के भाग जाए. इनको भी लड्डू देने चाहिए ना. हम सबों को खाना चाहिए. इनको भी खाना चाहिए. चलो चलो आपको भी खाना पड़ेगा. हां सेठ कम ऑन. एक और लाइए. एक और सेठ एक और. नाइस वन. आपको भी खाना पड़ेगा अभी. आइए रवि जी कहां है? बाथरूम में. अच्छा प्रावो रुको जाओ. अरे ये भी बाथरूम में जा रहे हैं सब जाते हैं. मैं उनके हाथ से लड्डू नहीं खाऊंगा. फोटो खिंचवा रहे हैं. मैं उनके हाथ से लड्डू नहीं खाऊंगा. अच्छा ओके. 1 minute कॉन्टेस्ट बिटवीन 4 of us एंड 3 of them. 1 2 3 डीजे म्यूजिक बजाओ. दोस्तों ईमानदारी से बोलो किसने पूरा खत्म किया भाई? आपने? नहीं भाई भाई मेरे आलसी दोस्तों ये लड्डू तो निकाल लो बेटा आ जाओ. अच्छा तुम तो लड़की बने थे. ओके आई रियली वांट टू नो मीडिया वाले दोस्तों बताओ क्या इसने पूरा खत्म किया? हाँ या ना? क्या इन्होंने किया आपकी बहन ने और क्या मेरे भाई ने? झूठो ईमानदारी से तुम्हारी जवानी कसम है. जनता हमारे साथ है. देखिए जनता मेरे साथ है. और भैया मेरे गुरमीत ने पब्लिक डिमांड मेरे राहुल ने हम लोगों ने खत्म किया है. देखिए मेरी डिमांड है दोस्तों. कॉन्टेस्ट के विजेता है आपका नाम सर? जुनैद खान. जुनैद खान के तालियां प्लीज. और मेरे छोटे भाई के लिए और आपका अवार्ड है कि विवान आप इनको उठाएंगे और ये आप उनको उठाएंगे एज द विनर. अरे उनको नहीं इतनी बहन है कि इनको नहीं इनको. अरे इनको तुम्हारी महतरमा के पास लाइव फेसबुक जा रहा है. ओ आइए इनको उठाइए. द विनर ऑफ दिस कॉन्टेस्ट. क्या बात है. और आप थैंक यू ब्रदर. और आइए विवान इनको भी उठाइए मेरे भाई को. नहीं अब अभी उल्टा होगा ये मुझे उठाएंगे.
अच्छा उठाइए, कोशिश तो कर, चला जा अरुण अरुण ओके कम ऑन, चलिए आइए अरुण करिए, अच्छा आजा, वन टू थ्री, आपने इनको उठाया, भगवान आपको उठाए। अरे थैंक यू टू ऑल आवर पार्टिसिपेंट्स, प्लीज थैंक यू सो मच, थैंक यू, प्लीज टेक योर सीट्स, थैंक यू अरुण, लव यू भाई। थैंक यू सो मच थ्री ऑफ यू, थैंक यू, इतने में इतना ही मिलेगा। और आप दोस्तों माइक में पकड़ पकड़ के थक गए हो, माइक में दो लीजिए दो लीजिए, बात कर रहे हैं, आइए संजय मिश्रा जी एंड ऑफ कोर्स हमारे डायरेक्टर साहब मनीष जी आइए। संजय जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, संजय जी शुक्रिया दिल से, सब पेपर मैं रख देता हूं सर, ये सब मैं ही करता रहता हूं सर। और रवि किशन कैसे हैं सर? सर मुझे आपकी ये जो डायरेक्टर हैं इन्होंने मुझे बताया कि आपका टाइटल है किशन कन्हैया सर, ये क्यों आपको इन्होंने टाइटल दिया ऐसे, ये देखिए अबे ब्लैक एंड व्हाइट दे देता है यार। क्यों 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 है ये? क्यों क्यों बता दो ना सर, आप बताइए ना सर, टाइटल दो तुम और बताएं हम। है किशन कन्हैया का मतलब क्या होता है? किशन कन्हैया है तो है, होटल के रिसेप्शन वाले सबसे ज्यादा याद करते हैं, स्विमिंग पूल वाले याद करते हैं, मतलब इस टाइप के किशन कन्हैया। ओके इनका एक और आरोप है आप पर जी, ये कहते हैं कि आप इतना इंप्रोवाइज करते हैं, इतना इंप्रोवाइज करते हैं, सीन यहां पर है आप वहां ले जाते हैं, बाद में इनको कठिनाई होती है कि सीन ओरिजिनल स्क्रिप्ट पे लेके आ जाए वापस, सर ये क्या है सर इसका? देखिए सर ये देखिए इतना इंप्रोवाइज करते हैं, सीन यहां है तो यहां ले जाकर के प्रोड्यूसर का भला कर रहा हूं, सीन यहां है और अगर यहां ले आते तो ये लेकिन कुर्सी लाओ, ये तो आपकी अदालत खेल रहा है भाई। लेकिन 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 इस इम्प्रोवाइजेशन में प्रोमो शॉट्स भी मिलते हैं। जी 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 मिले, मैंने आपकी बात मिले यहाँ से यहाँ ले लो। रवि जी सब बहुत खुश हैं, स्पेशली आपके डायरेक्टर कि आप अभी भी इलेक्शन जीते हैं, आप बहुत बड़े पॉलिटिशियन जी, कहाँ जीते हैं बताइए आप? अबे सर क्या न्यूज़ दे रहे हो, अभी तो शपथ ग्रहण समारोह, ये न्यूज अभी नहीं है, अगला इलेक्शन जीतेंगे। अच्छा अगला इलेक्शन जितवाए हैं, जितवाए हैं तो ये न्यूज नहीं बोल सकते क्या अभी? और ये मेरा क्वेश्चन नहीं है। शुरू हो जा मित्र भाई, बहुत अच्छा लगा, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। ये इन्हीं के लिए था। बहुत अच्छा लगा आपको टीपी जी, लवली सर, आप ऊपर आइए सर, टीपी जी आ जाइए सर, टीपी जी आइए, ये एक्चुअली टीपी जी एक ऐसे प्रोड्यूसर हैं जो कई सालों से कमाल कमाल की फिल्में और बड़े करे बोलते ना बहुत बड़का करेजा वाइन कर इतना बड़ा दिल बाकी बना रहे हैं, चली नहीं चली लेकिन सिनेमा बनाते हैं, रोजी रोटी देते हैं आपको, और आपने पहली बार बहुत दिल से कहा कि यू मेड अ वेरी नाइस फिल्म विच इज़ फॉर द यूथ, फॉर मैसेजेस एंड फॉर फैमिली, सो लवली यू एंड राहुल बाबू, कमाल मेरे दोस्त, कमाल विवान के लिए, गुरमीत भाई के लिए, सबके लिए, अक्षरा के लिए, ये बहुत अच्छी फिल्म है मेरे दोस्त, एक अच्छी फिल्म एक अच्छा सिनेमा लेके आए हैं, और मेरे सारे मित्र हैं सबने बहुत अच्छा काम किया, और आप लोग जरूर ये फिल्म देखिएगा, बहुत मजा आएगा, फुल पैसा वसूल विद लॉर्ड ऑफ लवली। इलेक्शन का क्या हुआ? इलेक्शन का सर बताइए, वो न्यूज़ अभी तोड़ नहीं सकते क्या? ये वो मंच है जहां पर मैं बाकी चीजें नहीं बता सकता, वो मेरा एक अलग रूप है, ये मेरा एक अलग रूप है। तुम हर जगह शपथ नहीं लेते नहीं तो वो न्यूज ब्रेक नहीं कर सकते यहाँ पे? नहीं वो तो पूरा देश जानता है वो तो। अरे कंग्रेचुलेशंस, ये अभी भी इलेक्शन जीते हैं, तालियां प्लीज सर। मैं ये पगला है या अवघड़ है इसको पता ही नहीं, ये पूरा पागल है, इसको देखिए हाँ एक है कि हम लोग एक मेहनत की और उसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया जो पूरा देश देखा, और वो मेहनत सफल हुई हमारी एक, और आज पूरा बम है। सर एक प्रश्न आपसे पूछना था, आप इतने हैंडसम है, डैशिंग है, यंग है, आवाज जबरदस्त है, तो आपको कभी ऐसा लगा जब गुरमीत और विवान कविता जी के साथ
डांस मूव्स कर रहे थे, मोहब्बत कर रहे थे, या शायद अक्षरा के साथ मोहब्बत कर रहे थे, आपने कभी राहुल या टीपी जी से बोला यार मुझे ये रोमांस करना चाहिए? नहीं, इसमें मेरा रोमांस है, मेरा एक रोमांटिक एंगल है, और मैं भी अक्षरा से मोहब्बत करता हूँ. ओह यार, सो ये एक साइलेंट था, ये बहुत छिपा के मुझे पर्दे पे रखा गया. सो आप लोग देखेंगे कि मैं भी अक्षरा का लवर हूँ और एक बहुत ही सुंदर. तो कैन यू इमेजिन ये फिल्म में कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं. ये बच्चा आपका तो नहीं सर? क्यों बोल दिया आपने सर? क्यों बोल दिया आपने सर? सस्पेंस रहे तो अच्छा है सर. जो सुमड़ी में कुमड़ी करते हैं वो है योगेश लखानी साहब. कोई तो रोक लो भाई. योगेश जी कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? बट इनको भी ऊपर बुला दे. अच्छा, आ जाओ जाओ, तालियां प्लीज. योगेश जी ये फोटो आपके लिए, तीन और होर्डिंग्स. आइए ताली बजाइए. ही सपोर्ट्स द होल इंडस्ट्री. सच अ लवली मैन. रियली रियली आई एम टेलिंग यू सर. इनका इलेक्शन जीतने के बाद इनका कुछ होर्डिंग का कुछ करवा देना सर. फोटो प्लीज सर, योगेश जी का. ये अच्छा मीडिया नेट सब लेते हैं, फोटो हर जगह छपेगा. योगेश जी मेरे को 10 होर्डिंग दे रहे हैं इसके लिए. थैंक यू. All right, thank you so much. Please take a seat. Sanjay ji. Ji. Such a pleasure, sir. Really, sir. Thank you so much, sir. God bless you, sir. And Ravi ji, election jeeto, kitna main khush hu. Aap jante hain kitna khush hu main. Hey, Bhagwan, isko maaf kar dena. Isko malum nahi ye kya bol raha hai. Ajay. All right, ladies and gentlemen. Ab waqt aa gaya hai. He's ready. He's here. Okay, dosto. Okay, hai. Chalo, chalo. Ready. Wo hai taiyar. तैयार है सर. आप ही इंट्रोड्यूस कर दो सर. मैं कर दूं क्या? क्या आप करेंगे? आप कीजिए सर. आप अपना काम कीजिए, मैंने अपना काम कर लिया है. रवि जी से करवाओ. अच्छा, रवि जी को नचवाओ. पॉलिटिशियन बन चुके हैं, नाचेंगे कि नहीं मुझे मालूम नहीं, फिर डांटेंगे मुझे बैठ के. सर इस फिल्म में संजय जी सबने सबने डांस किया है, लेकिन आपने नचवाया नहीं इनको स्टेज पे. सर ये बहुत मतलब और अच्छा डांस किया है सर. वो करवा के रहेंगे. फिलहाल हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं फॉर द टाइटल सॉन्ग ऑफ लाली की शादी में लड्डू दीवाना, द लिविंग लेजेंड सुखविंदर. दोस्तों तालियां सुखविंदर. हाय, हेलो भाई. मेरा ओपा जी, थैंक यू वेरी मच. यस, खड़े खड़े उतर रहे हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, लाइव द वॉइस, द मैजिशियन, द स्टार सुखविंदर. के लिए तालियां नहीं बजेंगी तो किसके लिए बजाओगे भाइयों? और अभी जी पॉलिटिशियन वाला यूज ब्रेक नहीं कर सकते क्या? क्यों ऐसे? सुखी बाजी, बाजी ये सब शुरू हो जाएगा. आहा, व्हाट इफेक्ट्स. हेलो, यस, हेलो जी, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल. वेज मनीष सर? मनीष वहीं पे. मनीष, हाउ आर यू? कांग्रेचुलेशन. और मैं इनसे पहले भी मुलाकात मेरी हो चुकी है हल्ला बोल फिल्म के टाइम पे, व्हेन आई वाज डूइंग म्यूजिक फॉर दैट फिल्म. एंड ही इज रियली, लेट मी शेक हैंड टू यू. क्या बात है सर, यू सच अ शिवलेस मैन सर.
वंडरफुल सर, माइक मैं संभालता हूँ, आइए. आई डोंट स्पीक मच बिकॉज आई बिलीव इन सिंगिंग. तो सुखी जी मेरा एक प्रश्न है, वैसे भी पंजाबी बंदा ज्यादा ना बोले तो चंगा ही है. सुखी जी जब तक आपका ट्रैक रेडी होता है ना. व्हाट ट्रैक? एक ट्रैक आपका जो रेडी होगा. इट टुक मी 5 मिनट्स टू गेट रेडी. वी डोंट लुक एट द ब्रांड. जैसे मेरे को किसी ने कहा कि आपका मोहब्बत के बारे में क्या विचार है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोहब्बत. मैं कहा लड़की होने के जिंदा होने के बस, दैट्स इट. सो वी डोंट गेट टाइम इनफ फॉर गेट रेडी. It took 5 minutes. अरे वो तो मैं जानता हूँ सर, आपको रेडी होने की जरूरत नहीं है, वैसे ही इतने हैंडसम हो. Is that I love you or what? Sir, but Sukhi Bhaji, one प्रश्न which all of us want to know, and I know you've been asked this before, but I want to know. Sir, आप क्या सलमान खान की राह में चल रहे हैं? In what way? In not getting married, sir. Oh, such a lovely question. How you know? Actually, क्या होता है? कुछ चीजें visible होती हैं, कुछ invisible भी होती हैं. तो इट इज़ नॉट लाइक दैट. ये अपने अपने शौक हैं और कानून भी इसकी इजाज़त देता है कुंवारे रहने की. नो, इट्स नॉट अ बिग इशू. नो प्रॉब्लम. अपने अपने शौक हैं, ठीक है. हो गई तो हो गई, नहीं तो देख. इनफैक्ट रवि किशन साहब दूसरों की सेटिंग करवाते हैं, शादियां करवाते हैं. इनफैक्ट इन्होंने बहुत से हैंडसम बैचलर्स की शादी करवाई है सर. सो इफ यू हैव एनी. आई एम नॉट हैंडसम. अरे सर, यू आर वेरी हैंडसम एंड टैलेंटेड एज वेल. सो रवि किशन साहब आपका मैच मैचिंग करवा देंगे. रवि जी करवाएंगे कि नहीं आप प्लीज? सुखी पाजी, लव यू सुखी पाजी. लव यू सुखी पाजी. लव यू, लव यू. सुफी हो, सुफी हो आप, अवगाड़ हो. Love you sir, love you sir, Sukhi Paji. Thank you very much, thank you very much. बस पगला, इनको गाने दे. कुछ आज थोड़ी देर पहले डिस्कशन चला था फोन पे अग्रवाल साहब. कुछ लोगों का विचार था, ओ सुखी यार थोड़ा मामला ठंडा ठंडा सा लग रहा. मैं कहा क्यों? मैं कहा हर जगह कुछ नए लोग भी करेंगे, कुछ नए लोग भी क्रिएटिव काम करेंगे. आई वॉज न्यू व्हेन आई संग एंड व्हेन आई मेट मिस्टर ए आर रहमान. एकदम मैं भी नया था, शर्ट थोड़ी सी इन थी, बस यही था फर्क. हाँ, एंड आई नो दैट व्हेन आई वॉज स्टैंडिंग ओवर देयर, तो वो ही लुक्ड एट मी, ही सेड यू सिंग. आई सेड आई एम सुखविंदर सिंह. सो नए लोगों ने कुछ तो करना ही है ना नया. तो अभी लेट्स डू सिंग मेलोडी. लाली की शादी में लड्डू दीवाना. दिस वेरी वेरी गुड टाइटल, वेरी इंटरेस्टिंग. एंड इस तरह की एक एक्टिविटी मैंने 10 ईयर्स बिफोर मानसून द वेडिंग, मानसून वेडिंग में. सो यहाँ आने का रीज़न वो भी, वो फिल्म भी है. मानसून वेडिंग भी एक रीज़न है यहाँ पर इस समारोह में, इस फंक्शन में, इस सेलिब्रेशन में आने के लिए. उसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है. बिकॉज आई रिमेंबर व्हेन आई मेट मीरा नायर एंड शी केम टू द स्टूडियो एंड मेरे को शी शोड मी द वीडियो ऑफ फिल्म, नॉट वीडियो, फिल्म मानसून वेडिंग. तब गाना ने ही ऐड किया था. सो रहमान ने मेरे को बोला था कि यू डू द म्यूजिक ऑफ दिस फिल्म. मैंने रहमान को बोला, मैं कहीं ये तो पंजाब में ऐसे डेली बनती है वीडियो फिल्म यार, इसमें नया क्या है? एंड देन शी लुक्ड एट मी, कहती दिस व्हाट कॉम्प्लीमेंट आई वॉन्टेड. And that was the compliment actually. कि this is so simple, मैंने कहा कि this film is actually simple. वो marriage का जो content था, वो last में कामा कामा गाना, वो मेरे को ऊर्जा इस गाने में नजर आई, इस film में भी नजर आ रही है. Seriously. शादी करते नहीं लेकिन करवाते बहुत हैं. Anyway, अपनी अपनी मौज है. So सुनील, आर वी रेडी? वेट, रुको 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 रुको. यस 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 यस, कम हियर. म्यूजिक कंपोजर वी हैव विद अस रेवंत एंड सिद्धार्थ. ये दम गए. किसी भी कंपोजिशन, किसी भी गाने का पहला जो पर्सनैलिटी होती है बेसिकली ओरिजिनली, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो कंपोजर होता है.
और एंड शायर उसको लिखने वाले, मेरी अपना पर्सनल, मैं सबकी बात नहीं करती, आई एम अ थर्ड पर्सन, लेकिन वी कॉल परफॉर्मर ऑफ द सॉन्ग, परफॉर्मर की चॉइस भी गलत नहीं होनी चाहिए, है ना? लेकिन मैं तो यही बताना चाहूंगा कि सुखी पाजी की वजह से हमें इंस्पिरेशन मिली है कि सिद्धार्थ और मैंने इस तरीके से उस गाने को मोल्ड किया है सिर्फ इनकी गायकी की वजह से, और हम तो आप ही की वजह से पूरा गाना है और मनीष जी गायकी के। और इसमें एक चीज ऐड कर दूंगा मैं, इसका जो सोर्स है, इस गाने का सोर्स जो है वो मालिनी जी का एक गाना है, दैट इज द सोर्स ऑफ द सॉन्ग, यूपी के फोक को, आई डोंट नो वेयर इट हैज गॉन, हाउ इट हैज गॉन, बट द बेसिक सोर्स ऑफ द, प्लीज कम। गुरमीत बड़े सोने लग रहे हैं, एज यूजुअल, एज यूजुअल, यू टू द क्यूट बॉय, आई गेस यू आर लाली एंड लड्डू, ये कैसा लग रहा है? अच्छा, मान लीजिए का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस सॉन्ग में, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि इन्होंने फोक को इंट्रोड्यूस करा, ये और आए थे तो तब शेप थी बिल्कुल दाढ़ी बढ़ गई है। चलिए अब सॉन्ग हम शुरू करते हैं। ओके, ऑल द क्रेडिट गोज टू सुखविंदर सिंह फॉर द लवली वॉइस सो दैट वी कुड इंस्पायर दिस एंड मेक दिस। आई वांट टू जस्ट ऐड दिस, थैंक यू मनीष फॉर शेयरिंग दिस फैक्ट। जो मैंने गाया था या जो गाना हम लोगों ने सुना था वो यूपी का बड़ा पुराना फोक है, मैं बालम वही लूंगी जो हो महलों वाला, लेकिन जिस तरह से गाना और वो पूरी तबीयत और इनकी आवाज़ में और जैसा पिक्चराइजेशन है, मुझे यही लगेगा इट वाज अ वेरी वेरी गुड डिसीजन, वेरी नाइस। सो आई एम वेरी हैप्पी कि आपने इस चीज़ का जिक्र किया, ना करते तो भी कोई बात नहीं थी, बट आई थिंक वो वाकई आपकी आवाज पे ही उस तरीके से जाना चाहिए था। थैंक यू, ओवर टू यू। डार्क स्टार म्यूजिक।